A very good morning, people. This is me, Mamta Sachdeva, once again with all of you. और आज मैं आई हूँ कुछ ऐसा लेकर जो बहुत ही ब्लंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही कुछ लोगों को बहुत तीखा लगने वाला है. Because today I'm gonna talk about the myths about cabin crew. तो लोग जो cabin crew, air hostess, flight attendant, anyway सबका मतलब सेम ही होता है, उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या चीजें सच हैं, क्या क्या चीजें झूठ हैं. तो आज मेरा दिल किया कि क्यों ना इन चीजों को फेस किया जाए आप सबके सामने, आप सबके साथ, आप सबके रूबरू आकर. तो मेरे पास एक दूसरा फोन है, लेट मी जस्ट ओपन माय इंस्टाग्राम पेज. जिनको अभी तक नहीं पता कि मेरा इंस्टाग्राम पेज कौन सा है, आई एम गोना पुट दैट फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, ममता सचदेवा मोगा. तो ये मैंने अपना अकाउंट खोला. और क्यों खोल रही हूँ ये अकाउंट, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले एक फोटो पोस्ट की थी अपने अकाउंट के ऊपर और उस पर मैंने आप सबसे पूछा था कि मिथ अबाउट कैबिन क्रू एयर होस्टेस. तो ये एक फोटो अगर आपने देखी है और अगर आपने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. क्योंकि मैं सुनना चाहती थी कि आप लोगों ने क्या सुन रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सुनती रहती हूँ, लेकिन मैं जो सुनती हूँ वो एक अलग बात है. लेकिन मैं चाहती थी मेरी ऑडियंस ने क्या क्या सुन रखा है कैबिन क्रू के बारे में, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. तो क्योंकि मेरे पास अराउंड इस चीज के ऊपर 100 से ऊपर कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो सारे के सारे तो मैं आज कवर नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने क्या करा है, आप सब में से जिन लोगों ने डबल ट्रिपल बार बार सेम क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ तो वो मुझे अट्रैक्ट करे हैं, कुछ एक क्वेश्चंस जो मैं अभी हाईलाइट कर सकती हूँ वन बाय वन, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनाई है. तो सबके ऊपर चर्चा करेंगे, एग्जांपल्स के साथ करेंगे. और सच जानने का हक सबको है. आपको मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. फॉर दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज ममता सचदेवा. आई एम वर्किंग एज अ कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू मैनेजर, पर्सर, कैबिन मैनेजर, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं. बट मैं एक कैबिन क्रू लीग की ही लड़की हूँ और इस प्रोफेशन में मुझे बहुत सारे साल हो गए, ओवर 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे. तो इस वजह से मैं जो भी बात करती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू करती हूँ. मुझे नहीं पता बाकी लोगों की अपने एक्सपीरियंस क्या रहते हैं इस जॉब को लेकर, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं उनके ऊपर बात करती हूँ. तो इन सारे क्वेश्चंस में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है दैट कैबिन क्रू मेंबर्स अपने घर वालों को टाइम नहीं देते. कि अगर एक लड़की कैबिन क्रू बनती है तो वो हमेशा फ्लाइट्स में बिजी रहती है, घर पे नहीं होते हैं, बच्चों को नहीं देख सकते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, हस्बैंड्स को टाइम नहीं देते इफ दे आर मैरिड, और फैमिली को उनका टाइम नहीं मिलता. ज्यादातर या तो सोते रहते हैं या ट्रैवल करते रहते हैं. तो ये बात क्या सच है या झूठ है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूंगी. तो सबसे पहले, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, तो आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए. अब आप कहेंगे कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है. आप मुझे ये बताएं कि जो लोग भी मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, क्या आपने मेरी करवा चौथ वाली वीडियो देखी है? डू यू वॉच माई वीडियोज, द वीडियोज आई मेक विद माई सन. मैं उसको पार्क लेके जा रही होती हूँ, उसके स्कूल के एडमिशन के लिए अभी मैं जाके आई हूँ. एक और वीडियो मैंने बनाई है, उसकी यूनिफॉर्म जिस दिन कलेक्ट करनी थी मैं उसके स्कूल गई हूँ. इंडिया के भी ठीक ठाक चक्कर मेरे लगते रहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज हैं, ट्रैवल वीडियोज हैं. उसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ जो भी, मेरे हस्बैंड के साथ जो भी मैंने वीडियोज बनाई हैं ऑन वैलेंटाइंस डे, और बहुत सारी और भी वीडियोज मैं फन वीडियोज अपनी फैमिली के साथ बनाती रहती हूँ. मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे सेलिब्रेट किया था. तो अभी आप कहेंगे कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ. ये सारी चीजें कह देने से और दिखा देने से आपको क्या पता नहीं चलता कि कैबिन क्रू की भी लाइफ होती है. वो भी सब नॉर्मल लोगों की तरह चीजें इंजॉय कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं तो. अब कुछ लोग होते हैं, सबकी अपनी हैबिट्स होती हैं. जैसे मैं कैबिन क्रू हूं तो मेरी अपनी हैबिट्स हैं, मेरे अपने जीने का एक तरीका है, रहने सहने का तरीका है. हर इंसान के अपने तरीके को आप जॉब में मिक्स मत कीजिए. आप किसी एक इंसान को देखकर दूसरे को नहीं कह सकते कि ये भी ऐसे ही करता होगा. बहुत सारे लोग हैं जो अनमैरिड ही रहना चाहते हैं पर वो कैबिन क्रू नहीं है. नॉर्मल लोग भी जो कैबिन क्रू नहीं भी हैं, वो 35-35, 40-40 की साल की उम्र तक आजकल शादियां नहीं करते, फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, रिलेटिव्स में मिलते गिलते नहीं हैं और फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, वो भी करते हैं. तो सिर्फ कैबिन क्रू को टैग करना ही क्यों जरूरी है कि ये लोग नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन मुझे जो है मेरे उस पेज के ऊपर आया, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ क्वेश्चन. क्योंकि ताकि हम इस मिथ को भी खराब
खराब नहीं खत्म कर सके, व्हाट एम आई सेइंग, खराब कर सके मिथ को खत्म कर सके। तो ये मिथ को बस करना बहुत जरूरी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये करियर खराब है इसलिए क्योंकि एक कैबिन क्रू, खास करके एक लड़की, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगी, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाएगी, अपनी फैमिली लाइफ नहीं बढ़ा पाएगी, या जो भी उसकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं सेलिब्रेट कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे डेज होते हैं जब आप फ्लाई आउट कर रहे होते हो, कुछ आपके स्पेशल डेज मिस हो जाते हैं, वो तो किसी जॉब में भी हो जाते हैं। अब एक किसी डॉक्टर की एनिवर्सरी हो, उसके पास ऑपरेशन करना पड़ा हो, तो वो ऑपरेशन करने ही जाएगा क्योंकि दैट्स हिज ड्यूटी। सेम चीज अगर मुझे भी फ्लाइट पे आना है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, या घर में कोई ओकेजन है, या कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी का करीब है, या मेरे लिए जरूरी है, लेकिन जॉब भी, काम भी आपकी ड्यूटी है, काम भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नो मैटर इट्स अ कैबिन क्रू जॉब, इट्स अ डॉक्टर जॉब, इंजीनियर जॉब, जिसको काम पे जिस टाइम पे जाना है उसको जाना ही पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी जॉब्स, आपको पता है, जॉब्स आर मोर प्रैक्टिकल देन बिफोर। पहले होता था, पुराने टाइम में फैमिली और वर्क एटमोसफियर को बैलेंस करना बहुत आसान था। आजकल क्योंकि ये वर्ल्ड की डिमांड है, इट्स नॉट अ डिमांड ऑफ अ कंपनी, ये दुनिया की डिमांड है, सब चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो इतनी जो डिमांडिंग आजकल जॉब्स की जरूरतें जो बढ़ गई हैं, उसकी वजह से फैमिली लाइफ वैसे ही लोगों की अफेक्ट हो रही है। आप 9 to 5 जॉब वाले लोगों को देखिए, कहने की उनकी 9 to 5 जॉब होती है, वो बेचारे 8 बजे जाते हैं और शाम को 7 बजे घर वापस आते हैं, अगले दिन की फिर तैयारी उनको करनी पड़ती है, फिर प्रिपरेशन करनी पड़ती है उनको। तो खाली कैबिन क्रू जॉब के ऊपर अगर आप ताने कस रहे हैं अपने बच्चों को या अपने आस पड़ोस वालों को, तो ये बात गलत है। मैं भी अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, फैमिली को टाइम देने की पूरी कोशिश करती हूँ, और ये कोशिश वर्ड मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश ही कर रहे हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम भगवान, हम गॉड नहीं हैं, तो हम कोशिश ही कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ, बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाली टैग कर देना कि कैबिन क्रू तो अपने घर वालों को टाइम नहीं देते, तुम ये काम मत करो क्योंकि तुम अपने घर को टाइम नहीं दे पाओगी, तुम ये काम मत करो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को दी हैं, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो आप ग्राउंड जॉब पे आ सकते हो, आप कोई और जॉब है जो है एविएशन में कर सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है। अगर आप कहें कि आपको सब कुछ थाली में बैठे बिठाए परोसा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपका अपना हार्डवर्क करना, आपका लाइफ में फोकस होना ज्यादा जरूरी है देन सोचने के नहीं क्योंकि मुझे नहीं मिलेगा, या मुझे नहीं हो पाएगा, या मुझे ये चीज हो जाएगी तो ऐसा होगा। तो सबसे पहले खुद श्योर होइए कि आपको ये जॉब करनी है। सेकेंडली, जो ये मिथ्स आप सुनते हैं उनको इग्नोर करना भी सीखिए। किसी को जवाब दे सकते हैं तो उसको समझाइए उसके पीछे का क्या रीजन है। खाली मुंह से अपने कुछ ऐसे वर्ड्स निकाल के किसी को दुखी करने के लिए ऐसी बातें मत कीजिए कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मेक देम अंडरस्टैंड, शो देम माई वीडियो। मैं भी अपनी फैमिली को और सब लोगों को टाइम देती हूँ, देखिए आपको भी टाइम दे रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। तो खाली लोगों को टैग मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैबिन क्रू मेंबर्स डेफिनेटली अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं अगर वो देना चाहते हैं तो। अगर कोई किसी को टाइम नहीं देना चाहता तो 100 बहाने बना लेंगे। मैं तो फैमिली को भी टाइम देती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, फ्लाइट्स पे भी आती हूँ, और अपने जितने लोग हैं मेरे आसपास उनको भी टाइम देती हूँ। हाँ, कुछ एक चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए वो मैं नहीं करती हूँ, जैसे कि मुझे पता है मेरे पास लिमिटेड टाइम है घर पे, तो मैं वो टाइम जो बचा हुआ होता है अपनी फैमिली को ही डेडिकेट करती हूँ। मैंने ये नहीं किया हुआ कि अभी मैं ट्रैवल आउट करके 2 दिन बाहर हूँ, 3 दिन बाहर हूँ, और चौथे दिन मैं वापस जाके अपनी 8 सहेलियां घर पे बुला लूँ और उन्हीं को टाइम दूँ, बच्चा इग्नोर हो जाए, ये चीजें मैं नहीं करती हूँ। मैं जब यहाँ से काम को फिनिश करके अपने घर जाती हूँ तो आई ट्राई टू गिव ऑल द टाइम, जो भी बचा हुआ टाइम होता है वो मैं अपनी फैमिली को डेडिकेट करती हूँ। अपने घर में कुकिंग भी करती हूँ, क्लीनिंग भी करती हूँ, अपने बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी संभालती हूँ। अगर मैं किसी को घर में इन्वाइट कर सकती हूँ, किसी को बुला सकती हूँ, किसी को एंटरटेन कर सकती हूँ, तो मैं बुलाती हूँ। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं क्लियरली अपोलोजाइज कर देती हूँ कि सॉरी, हम नहीं बुला सकते बिकॉज थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन कम है, थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है। एंड दोस्त भी वही होते हैं आपके रियल, जो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी परेशानी और आपके टाइम को मद्देनजर रख के चलते हैं, ना कि खाली बातें बनाते हैं कि ये हमें बुलाती नहीं वगैरह वगैरह। तो ऐसे दोस्त तो होने ही नहीं चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए मैंने अपना सोशल सर्कल बहुत कम रखा हुआ है। मैं अपने काम पे आती हूँ, अपनी फैमिली को देखती हूँ, और उसके बाद मैं अपना जो भी सेल्फ लर्निंग होता है वीडियोस के जरिए या अपनी बुक्स के जरिए, जो भी कंपनी की बुक्स हैं उनके जरिए मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। बस यही मेरी लाइफ है। उसके अलावा मैं ये चैनल चलाती हूँ, आप सबसे बातें करती हूँ, ये प्यारी प्यारी बातें करती हूँ। तो आज का ये टैग हमने खत्म करना है कैबिन क्रू से। 1 मिथ इज बस्टेड,
कैबिन क्रू मेंबर्स अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं. दिस इज द ट्रूथ. अगर कोई कैबिन क्रू मेंबर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है और वो वीडियो बना रहे हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, वो बहाने लगा रहे हैं. अगर आप चाहें आप अपनी जिंदगी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो. जो इंसान नहीं करना चाहता वो नहीं करेगा, जो करना चाहता है वो कर पाएगा. तो चलिए दोस्तों, ये था एक मिथ जो मैंने इंस्टाग्राम पेज से उठाया और मैंने बस्ट किया उसको. एंड आई एम श्योर आप लोग इसको अग्री करेंगे. अगर आप मेरे आंसर से मतलब अग्री फील करते हैं, आपको लगा कि ये चीज सच है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि यू अग्री, यू थिंक यस इज ट्रू. अगर कोई और आपकी थॉट हो तो वो भी लिखना मत भूलिए. जो फीडबैक हो लिखना मत भूलिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप, नहीं पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, थम्स डाउन भी चलेंगे. और उसके अलावा मैंने क्या कहना था आपसे गाइज, अभी ऑलमोस्ट 90,000 वी आर टचिंग एंड 100,000 की वेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है ऑन द वे है लिस्ट में आप सबके लिए. सो डू सब्सक्राइब इफ यू हैवन डन सो. एंड आपको मैं डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूंगी. यू फाइंड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीडियोज अबाउट ट्रेवल, अबाउट मी, अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई फैमिली. एंड वाई गाइज आई पोस्ट ऑल दोज वीडियोज, नाउ दिस इज द आंसर. इसीलिए मैंने वो वीडियोज डालने शुरू किए थे अपने चैनल के ऊपर, जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप वीडियोज मत डालो, ये वाले वीडियोज आप इसमें मिक्स क्यों कर रहे हो. बट क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हूँ. कोई कैबिन क्रू का टैग लेके आप कोई पता नहीं, अब लोग अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं. हैं तो हम सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, तो हम सारे इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे. तो मैं भी आपको वही दिखाने की कोशिश करती हूं कि मैं एक नॉर्मल, अपने घर में एक बहू भी हूं, अपने घर में एक बेटी भी हूं, अपने घर में एक नॉर्मल माँ भी हूं एक बच्चे की, अपने हस्बैंड की एक वाइफ भी हूं, जॉब के ऊपर मैं एक कैबिन मैनेजर भी हूं, और मैं अपने दोस्तों के लिए एक नॉर्मल नॉटी सी ममता सचदेवा एक लड़की भी हूं. तो सब चीजें हैं मेरे में. तो आप भी इन चीजों को अडॉप्ट कीजिए, सीखिए, लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, जिंदगी वैसे ही आपकी ब्यूटीफुल हो जाएगी. तो चलिए दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा. आपको वीडियो पसंद आई हो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है तो मुझे जरूर बताइएगा. तो चलिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भी और अपने दोस्तों से करवाइए भी. बाय बाय.